बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस्लामियात जमात चहारम ने खुश आमदी। प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 5.3 वतन से मोहब्बत और एक जिम्मेदार शहरी के मुतालिक दूसरे लेक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। आगाज करते हैं हासिलात तालुम से। आज के सबक का हमारा पहला हासिल तालुम है, रोजमर्रा जिंदगी में जज्बाए हुब्बुल वतनी के साथ एक जिम्मेदार शहरी की खसूसियात अपना सकें। अच्छे शहरी की मुल्की और बैनुल अक्वामी जिम्मेदारियों को समझते हुए उस पर अमल कर सकें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ऐलान सबक है। आज हम अहले वतन से मोहब्बत के तकाज़ों के बारे में वाकफियत हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके लिए दोहराई के चंद सवालात हैं। मैं गुजारिश करूंगा असातिज़ा किराम से कि वीडियो को रोक दीजिए, पहले बच्चों से दोहराई के इन सवालों को मुकम्मल करवा लीजिए। खुश आमदीद। यकीनन आप बच्चों ने इंतहाई जांफिशानी से, तुंदगी से दोहराई के इन सवालों के जवाब अपने असातिज़ा किराम को दिए होंगे। प्यारे बच्चों, इस्लामी नुक्ता नज़र आज के सबक का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही वसहाबिही वसल्लम अपने वतन से मोहब्बत करते थे और सफ़र से वापसी पर जैसे ही मदीना मुनव्वरा के दरो दीवार नज़र आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही वसहाबिही वसल्लम अपनी ऊँटनी की रफ्तार तेज़ फरमा देते थे ताकि जल्दी जल्दी अपने वतन में मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो सकें। ये मोहब्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही वसहाबिही वसल्लम को वतन के साथ। यही वजह है कि हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है हम भी अपने वतन से मोहब्बत करें। प्यारे बच्चों, कबल अज़ पढ़ाई के उनवान से चंद सवालात आपके सामने हैं। मैं दोबारा से गुजारिश करूंगा असातिज़ा किराम से कि वीडियो को रोक दीजिए, पहले बच्चों से कबल अज़ पढ़ाई के इन सवालों के जवाब मालूम कर लीजिए। खुश आमदीद। यकीनन आप बच्चों ने कबल अज़ पढ़ाई के इन सवालों के जवाब अपने असातिज़ा किराम को इंतहाई दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए दिए हों। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इन सवालात के जवाब देने की सूरत में यकीनन आप बच्चों ने सबक के बारे में आगाज़े सबक में ही बहुत सी अहम मालूमात हासिल कर ली होंगी। प्यारे बच्चों, आइए अब हम तारुफी कलिमा सीख लेते हैं। वतन से मोहब्बत का तकाजा है कि अहले वतन से भी मोहब्बत की जाए और उनकी फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। अहले वतन से मोहब्बत की जाए, उनकी भलाई के लिए, उनके फलाह के लिए, उनकी कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। हमें अपने वतन में रहने वाले तमाम शहरियों से बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल एहतराम से पेश आना चाहिए। किसी भी किस्म का कोई इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए कि इसका रंग और है, इसकी नस्ल और है, बल्कि हमें सबसे एहतराम से पेश आना चाहिए। अहले वतन का ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो, उनसे मोहब्बत का तकाजा है कि उनसे मजहबी बुनियाद पर हरगिज़ नफ़रत ना की जाए, बल्कि मजहबी रवादारी के पेश नज़र उनसे अच्छा सलूक किया जाए और उनकी बातों को बर्दाश्त किया जाए और अपनी मर्जी से अपनी कोई राय किसी पर ना ठोंसी जाए। इसी तरह से ये अहले वतन के साथ ताल्लुक है और उसका तकाजा है। वतन की तरक्की और सलामती के लिए कोई भी किसी भी इलाके से कोई भी ज़ुबान बोलने वाला हो, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। ना कोई पंजाबी है, ना कोई बलोची है, ना कोई पठान है, ना कोई सिंधी है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान ही हमारा वतन है। इसी वतन के हवाले से हमारी पहचान और शनाख्त होती है। इस वजह से हमें बस अपने वतन के मफाद को पेश नज़र रखना चाहिए। तमाम पाकिस्तानी आपस में भाई भाई हैं। अहले वतन से मोहब्बत का तकाजा है कि किसी हम वतन को धोखा ना दिया जाए और किसी का हक ना मारा जाए। प्यारे बच्चों, ये थी चंद तारुफी बातें। हमें भी चाहिए कि मुल्क पाकिस्तान के इस्तेहकाम, सलामती और खुशहाली के लिए यकजा होकर एक दूसरे की मदद करें ताकि मुल्क पाकिस्तान खुशहाल हो सके। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए अब हम किताब की जानिब बढ़ते हैं और किताब से अहले वतन से मोहब्बत के तकाज़ों के मुतालिक इन इक्तबासात का मुताला करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा असातिज़ा किराम से वीडियो को रोक दीजिए, पहले बच्चों से कमरा जमात में मज़कूरा इक्तबासात का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख्याल रखते हुए बुलंद आवाज़ में खानी का एहतमाम करवा लीजिए। खुश आमदी। यकीनन आप बच्चों ने इन इक्तबासात को पढ़ने के साथ अहले वतन से मोहब्बत के तकाज़ों को सीख लिया होगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब आपके लिए है सरगर्मी। सरगर्मी ये है कि एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से तलबा अपने इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहिदा करें और वतन से मोहब्बत के सिलसिले में अपनी अपनी राय का इजहार करें कि किस तरह अपने वतन की खिदमत की जा सकती है।
अपने कुर्बो जवार का जायजा लेना है और कुर्बो जवार में मौजूद चीजों का मुशाहिदा करके अपनी अपनी राय पेश करनी है कि वो किस तरह अपने वतन की खिदमत में हिस्सा डाल सकते हैं और किस अंदाज में वतन की खिदमत की जा सकती है। तो गुजारिश करता हूँ असातिज़ा किराम से, वीडियो को रोक दीजिए, पहले कमरा जमात में इस सरगर्मी को मुकम्मल करवाने का एहतमाम करवा लीजिए। खुश आमदीद। यकीनन आप बच्चों ने इस सरगर्मी की बदौलत अपनी अपनी राय का इजहार किया होगा और इससे आपके अंदर ये सलाहियत पैदा हुई होगी कि किसी भी मामले पर, किसी भी मसले पर अपनी राय का इजहार करना किस अंदाज में है और तजवीज़ किस अंदाज में देनी है। प्यारे बच्चों, अब आपके लिए है घर का काम कि वालदैन की मदद से 5 ऐसे निकात तहरीर करें जिनसे एक शख्स मुहिब्बे वतन कहलाया जाता है। वो कौन कौन सी खूबियाँ हैं जो एक मुहिब्बे वतन में होनी चाहिए, आपने वालदैन से पूछकर 5-5 निकात तहरीर करने हैं और फिर उन औसाफ को अपने अंदर अपनाने की कोशिश भी करनी है ताकि हम भी मुहिब्बे वतन बन सकें। ये काम आपने घरों से मुकम्मल करके लाना है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम सबक का इआदा कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा वतन से मोहब्बत का लाजमी तकाजा है कि अहले वतन से भी मोहब्बत की जाए। अहले वतन से मोहब्बत करना ही दरअसल वतन से मोहब्बत करने के मुतरादिफ है। अहले वतन से मोहब्बत करने का तकाजा है कि कोई भी ऐसा काम न किया जाए जिससे वतन के अफराद किसी भी किस्म की तकलीफ में मुब्तला हों। अहले वतन से मोहब्बत का तकाजा है कि किसी हम वतन को धोखा ना दिया जाए और किसी का हक ना मारा जाए। प्यारे बच्चों, ये थी चंद बातें जो आज के सबक से हमने हासिल की। आज हमने अहले वतन से मोहब्बत के तकाजों के बारे में वाकफियत हासिल की। कल हम नए सबक का आगाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं लेक्चर की PPT, हासिलात तालुम के मुताबिक लेसन प्लान और वर्कशीट। इन तीनों चीज़ों को डाउनलोड करके इनकी रहनमाई में और हमारे इस वीडियो लेक्चर की रहनमाई में यकीनन आप अपने सबक को इंतहाई उम्दा तरीके से तैयार कर सकेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी कल के लेक्चर में। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।